इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी बताकर उनके नामांकन को रद्द करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने इसे पूरे सिंधी समाज का अपमान बताया है। इंदौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता चरण सिंह सपरा और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं का कहना था कि इस बार जब क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस के द्वारा सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया तो भाजपा द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्षेत्र के विधायक ने सिंधी समाज की प्रगति उन्नति में कभी कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही समाज का प्रत्याशी उन्हें चुनौती देता हुआ नजर आया तो उन्हें पाकिस्तान नजर आने लगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद हुए विभाजन के दर्द को सबसे ज्यादा सिंधी समाज ने सहा है। सिंध प्रांत में बसे हुए सिंधी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में अपने प्रांत घर बार संपत्ति को छोड़कर अपने वतन भारत आए। इन नागरिकों द्वारा भारत में रहकर व्यापार व्यवसाय उद्योग का संचालन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भाजपा के प्रत्याशी द्वारा विकास का कोई कार्य नहीं किया गया, जनता के साथ उनका कोई संवाद नहीं है। उनके कार्यकाल की उपलब्धियां अपराधियों को संरक्षण और व्यापारियों से जबरन चंदे की वसूली है। इस स्थिति में जब पहली बार उन्हें चुनौती देने वाला प्रत्याशी सामने आ गया तो वह घबरा रही है। इस घबराहट में उन्हें बार बार पाकिस्तान की याद आ रही है। राजा मांधवानी ने कहा कि भारत हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोकतंत्र की हर व्यवस्था में हमारी आस्था और विश्वास है। इस देश की प्रगति में हम अपना समुचित योगदान दे रहे हैं। सिंधी समाज के प्रत्याशी द्वारा दी जा रही चुनौती से घबराकर भाजपा प्रत्याशी द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से दो तीन दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रयास हुआ, सिंधी समाज इन टोटैलिटी में कहता हूँ कि सिंधी समाज के ऊपर कटाक्ष करने का प्रयास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सिंधी समाज के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको लेते हुए कटाक्ष करा और कहा कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित किसी व्यक्ति ने कोर्ट में भी एक याचिका दायर करी, इनकी सिटीजनशिप को चैलेंज किया गया और आज इनकी सिटीजनशिप जो मान्यता सरकार भारत सरकार ने दी है वो सही है, ऐसा सिद्ध होकर के आया है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय के ज़रिए से मात्र राजा मांधवानी नहीं बल्कि पूरे सिंधी समाज का उन्होंने अपमान किया है। एक तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि किसी को गलियाना हो, किसी को अपशब्द बोलने हो तो वो कह देते हैं कि ये पाकिस्तान से है। यानी ये भी बात जो कैलाश विजयवर्गीय ने पाकिस्तान से तुलना करने का प्रयास किया, ये भी एक समाज को गलियाने का काम किया, अगर ऐसा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। संक्षेप में पूरी बातें बताई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जब से मैं राजनीति में कांग्रेस के तरफ से प्रचार करने शुरुआत करी, तब से इनको डर लगने लगा। डर क्या लगने लगा कि इनको जो सिंधी समाज को ये बेवकूफ़ बना के वोट लेते थे तो उनका वोट बैंक खिसकने लगा। दूसरा, मैं जो सेवा कार्य करता हूँ वो करने वाला था, उससे भी उनको डर लगा, क्योंकि उनका सेवा से कोई वास्ता है नहीं, न कोई विकास से वास्ता है। जबकि लोकतंत्र देश है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। शुरुआत तो ये कि पाकिस्तानी, मैं उनको यही जवाब दिया। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया था, तो मैंने उनको याद दिलाया कि उनका राजनीति करियर ही 4 नंबर से शुरू हुआ था और उन्हीं सिंधियों के बल पे वो जीते थे जिनको आज वो पाकिस्तानी कह रहे हैं।
गौरतलब है कि विधानसभा चार में सिंधी समाजजनों की तादाद काफी अधिक है और हर चुनाव में सिंधी समाज अहम फैक्टर साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जियाना न्यूज़ इंदौर।